5G इंडिया की इकोनॉमी जो करेंटली 3.46 ट्रिलियंस की है, इसे 2047 तक में 40 ट्रिलियंस की बना सकती है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही? नहीं। वेल, इस दिवाली रिलायंस जियो ने इंडिया के 4 मेगा सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई में फाइनली 5G को लॉन्च कर दिया। अब इससे पहले कि आप सोचो कि 5G के रेस में जियो काफी आगे निकल चुका है, तो एयरटेल ने तो 6 अक्टूबर को ही इंडिया की 8 मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर एंड वाराणसी में 5G को अनवील कर दिया। कहने को तो 5G 4G से 100 गुना फास्ट है, बट लोग 5G को यूज तक नहीं कर पा रहे हैं। ये भगवान क्या जुलुम है? तो क्या ये कंपनीज का स्कैम है? Well, this is the Fact Express. Well, 5G वो टेक्नोलॉजी है जो हमें वर्चुअल रियलिटी में शिफ्ट करने वाली है। जस्ट इमेजिन, आपके फोन से लेकर के आपका घर और आपका पूरा शहर 5G से कनेक्टेड होगा। गाड़ियां खुद से ही सेंसर्स की मदद से चलेंगी। वेल, 5G के मामले में भारत पूरी दुनिया से पीछे है। ऑलरेडी वर्ल्ड के 85 डिफरेंट कंट्रीज के पार्ट्स में 100 करोड़ से ज्यादा लोग 5G को यूज कर रहे हैं। एंड इवन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने तो 6G पे भी रिसर्च शुरू कर दिया है। मगर देर से ही सही, लेकिन भारत में भी एयरटेल एंड जियो ने 5G को लॉन्च कर दिया है। करेंटली 5G भारत के 13 डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल है, और देखते ही देखते अगले 6 महीनों के अंदर भारत के 200 सिटीज में एंड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स अराउंड 80% ऑफ इंडिया विल बी कवर्ड बाय 5G। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। और 5G की ये ग्रोथ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी, और इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में 5G का एक मेजर रोल होने वाला है। क्योंकि 5G की इस ग्रोथ के साथ इंडियन इकोनॉमी को अगले 17 सालों में 36.4 ट्रिलियन रुपीस यानी 455 बिलियन डॉलर्स का बेनिफिट होने वाला है, जो इंडिया को 2047 तक में 40 ट्रिलियंस की इकोनॉमी बना सकती है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ बाय मेकिंग इंडिया अ 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2047 अप फ्रॉम 3 ट्रिलियन टुडे। अब अगला सवाल आता है, आखिर 5G की इंडिया में स्पीड कितनी होगी? वेल, अभी तक 5G की सबसे तेज डाउनलोड स्पीड साउथ कोरिया ने अचीव किया है, जो है 438 Mbps की स्पीड। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी क्योंकि भारत इस मामले में काफी आगे है। एयरटेल एंड जियो ने 1 Gbps से ज्यादा की स्पीड ट्रायल्स के टाइम पे अचीव की थी। बट स्पीड की बात तो छोड़ो, यहाँ लोगों को अपने 5G फोन में भी 5G यूज करने को नहीं मिल रहा है। कंपनीज के अकॉर्डिंग आप अपने 4G सिम कार्ड से भी 5G को यूज कर सकते हो, बस आपके पास एक 5G फोन होना चाहिए। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू 5G फोन खरीदना चाह रहे हो, देन मेक श्योर कि आपकी फोन बनाने वाली कंपनी आपके शहर में 5G के लॉन्च के बाद रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट देती है या नहीं। और 5G को अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेक श्योर कि आपके उस फोन में 5G के कितने बैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फोन में 2 से 3 5G बैंड्स हैं, तो आपका तो 5G एंजॉय करने का मजा बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इसलिए आपके उस फोन में एटलीस्ट 8 5G बैंड्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। 5G का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आपको इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो यहाँ ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अखंड भारत के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे वाली वीडियो पर।